छिंदवाड़ा में भाजपा ने अवैध रेत उत्खनन और अवैध वसूली के विरोध में ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला है और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जुन्नार देव के दमुआ थाने में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रेत ठेकेदारों के खिलाफ अवैध वसूली, अवैध उत्खनन और ठेकेदार के लोगों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कृष्णा यदुवंशी ने बताया कि जुन्नार देव मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर रामपुर एवं अवरिया में रेत उत्खनन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन जुन्नार देव में आने वाले चारों ब्लॉक में जमकर रेत ठेकेदारों के गुर्गे अवैध वसूली और रेत का उत्खनन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके गुंडों द्वारा शहर के ट्रैक्टर मालिकों को धमकाकर उनसे मुंह मांगी अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। जा करके और लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं और पूरे कट्टा नदी, ये गोरखघाट कट्टा नदी, हिरदागढ़, करमोनी बंदी और क्या बोलते हरियागढ़, रामपुर में भी जहां उनका ठेका है वहां से ना उठा करके अवैध तरह से उठा रहे हैं। ग्रामीण लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोग और मारा पिटाई की स्थिति बन रही है। तो उस संबंध में आज दमुआ ग्रामीण मंडल ने पूरे सभी ग्रामीणों के कार्यकर्ताओं के द्वारा टीआई साहब को थाना दमुआ में ज्ञापन सौंपा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।